दोस्तों माँ भगवती की उपासना हम कई रूपों में करते हैं और आज मैं आपको माँ भगवती के जिस रूप के दर्शन कराने जा रहा हूँ वो है उनका महिषासुर मर्दिनी रूप। तो मैं आज पहुँच चुका हूँ झांसी से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित जैत माता के मंदिर। जैत माता का यह मंदिर लगभग 3000 वर्ष पुराना है और इस मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो कराया चंदेल राजाओं ने। बुंदेलखंड हमेशा से ही मंदिरों का प्रांत रहा है और चलिए आइए दर्शन करते हैं जैत माता के। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से माता की ये जो मूर्ति है यह राजस्थान के जयपुर से यहाँ पर लाई गई। दोस्तों भक्तों की ऐसी मान्यता है कि माता ने अपने पुजारी को एक बार स्वप्न दिया कि मेरी मूर्ति को मूल रूप से जहाँ पर ये मूर्ति है वहाँ से एक रथ के सहारे वो लेकर जाएं और जहाँ पर रथ का पहिया रुके वहीं पर उनके मंदिर का निर्माण कराया जाए। यह सुनकर पुजारी निकल पड़े माता की मूर्ति को रथ पे सवार करके और उनके रथ का पहिया रुका यहाँ पर उत्तर प्रदेश में झांसी के कचनेव गांव पर और यहीं पर माता के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। अपने इस वीडियो के दौरान माता के मंदिर की मैं आपको कई सारी कहानियां और जानकारियां देने वाला हूँ। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं माता के इस मंदिर के कई और रहस्य। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि माता की जो मूर्ति है वो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि माता जो है वो महिषासुर के ऊपर विराजमान है और ये जो पोजीशन है उनकी बैठने की ये महिषासुर का वध करते हुए पोजीशन है। और इसके अलावा यहाँ पर है 64 योगिनी माता। आपने माँ अम्बे की आरती में सुना होगा 64 योगिनी, तो वो वही माता है ये। इसके अलावा ये जो चार आपको मूर्तियां दिख रही हैं, दो मूर्तियां लेफ्ट में और दो मूर्तियां राइट में, ये सारे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार हैं। और माता की जो ये मूर्ति है ये नवरात्रि का जो पांचवा दिन होता है उनका जो पांचवा रूप होता है स्कंद माता का रूप, ये स्कंद माता के रूप में भी पूजी जाती है। और इनके पुत्र कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है सनत कुमार ये उन्हीं की माता है। इस रूप में भी माँ भगवती की उपासना यहाँ पर होती है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि महिषासुर मर्दिनी माता का असली रूप, जो असली मूर्ति है वो कैसी है। तो माता की मूर्ति पर अभी वैसे तो पोशाक चढ़ी रहती है लेकिन आप देखिए ये महिषासुर की मूर्ति है। ये आपको उनके नेत्र दिखाई दे रहे हैं जब माता ने उनका वध किया था और ये महिषासुर का एक पैर है और ये माता उनके ऊपर बैठी हुई है। तो ये माता का पैर है, ये महिषासुर का पैर है और ये वही युद्ध की मुद्रा है जब उन्होंने महिषासुर का वध किया था। दोस्तों आइए अब हम पंडित जी से स्वयं जान लेते हैं माता की कहानियों के बारे में। पंडित जी हमें बताएं माता के बारे में, क्यों है इस प्रांगण का नाम जैत माता मंदिर। जैत माता इसलिए इनको कहते हैं कि ये जो है भगवती राजस्थान के जैतपुर जोधपुर नामक कस्बे से आई है। वहाँ के मंदिर के जो पुजारी थे उनको देवी जी ने दर्शन दिया और कहा कि अब हमको यहाँ से ले चलो, जहाँ जा करके हमारे रथ का पहिया रुक जाए या हमारा रुक जाए वहाँ से हमें आगे बस ले जाना, वहीं पर हमारा मंदिर बनवा देना। तो वो वहाँ से लेकर के आए राजस्थान से चंबल से नादी नदी पार करके ग्वालियर होते हुए दतिया, दतिया से झांसी और झांसी से आकर के ये जो है गांव कचनेव है। इस कचनेव गांव को निकलने के बाद के ना बगल से और आकर के यहाँ पर मंदिर देवी जी का रथ का पहिया टूटा तो यहीं पर जो है उनको देवी जी को बावरी के ऊपर देवी जी को विराजमान किया गया, जो कि सदियों पुरानी है। कोई इसका निश्चित तारीख नहीं है कि किस तारीख को देवी जी यहाँ पर आकर के विराजमान, लेकिन इतना जरूर है कि जो वर्तमान जो देवी जी के ये मंदिर का शिल्प है ये 1150 साल पुराना है कि चंदेल वंशी राजाओं ने द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया कराया गया पुनः, और तब से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है। भगवती का दरबार लगा हुआ है और जो यहाँ आता है सच्चे हृदय से वो जो भी मांगता है उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है। तो दोस्तों पंडित जी ने हमें बताया कि जब जयपुर राजस्थान से माँ का रथ चला तो वो फिर मुरैना ग्वालियर के रास्ते होकर यहाँ पर झांसी जिले के बंगरा के कचनेव गांव पर आकर वो पहिया रुका और यहाँ पर फिर माता के मंदिर का निर्माण कराया गया। पंडित जी ने हमें यह भी बताया कि सच्चे हृदय से माता से जो कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है उनकी मनोकामना माँ सदैव पूरी करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
दोस्तों अगर हम मंदिर की शिल्पकारी की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि ये चंदेल वंश के समय की पुरानी कला पे ये चित्रित है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंह बने हुए हैं और माता जिस सिंहासन पर बैठी हुई है ये सिंगल पत्थर का सिंहासन है। तो आप देखेंगे कि कितना चौड़ा एक पत्थर है जिस पर कलाकारी करके कलाकारों ने इस पर कार्विंग की है। ये पूरा मंदिर एक बावरी के ऊपर बना हुआ है। बावरी यानी जो पुराने जमाने में कुएं और बावरी हुआ करते थे उनके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि अभी अगर यहाँ पर अभी तो पुराने समय से मंदिर का चढ़ावा फूल पुष्प आदि डाले जा रहे हैं, अदरवाइज ये काफी गहरा था और जब वो बचपन में यहाँ पर सिक्के वगैरह डाला करते थे तो उस पर नीचे आवाज आती थी सिक्कों की, या फिर जब हम पानी के ऊपर कुछ गिराते हैं तो जो आवाज आती है वो आवाज यहाँ पर आती थी। दोस्तों बुंदेलखंड के इतिहास में हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म की भी काफी मान्यता रही है। वैसे ये दोनों धर्म ही एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर इस जैत माता मंदिर प्रांगण में कई लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि जो अंदर मूर्तियां हैं वो जैन मुनियों की मूर्तियां हैं माता के बगल में। इसके अलावा यहाँ पर जैन मुनि अजय नाथ जी महाराज की भी मूर्ति विराजमान है और आइए मैं उनके दर्शन कराता हूँ आपको। दोस्तों माता का ये प्रांगण काफी विशाल है। यहाँ पर मेन मंदिर के अलावा दूसरे मंदिर भी हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर अजरनाथ जी का मंदिर है और कई छोटे मंदिर और कई माता के त्रिशूल वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। हमें यहाँ पर लोकल लोगों ने बताया कि ये चंदेल वंश में बना हुआ मंदिर है और उन्हें आज भी यहाँ पर चंदेल कालीन ईंटें मिली हैं दीवारों में। तो ये जो माता के मंदिर की जो ये बाउंड्री है ये काफी चौड़ी है और हमें बताया गया कि चंदेल वंशी ईंटों से ये बनी हुई है। तो हमारे साथ हैं रोशन जी। तो रोशन जी हमें आप बताएं कि ये इन ईंटों की क्या खासियत है। ये पुराने जमाने में बोलते हैं कि चंदेल वंश है जी, पहले राजा जी चंदेल वंश के राजाओं की ईंटें हैं। तो ये आम ईंटों से कैसे अलग है? ये तो बहुत वजनी है, आम ईंट तो इसमें कम से कम दो निकले। अच्छा इनका रंग जो मैं देख रहा हूँ ये काफी ज्यादा लाल है, इनके अंदर जो लालामी है इन ईंटों के अंदर वो लकड़ी से पकाया जाता था, आम ईंटों की तुलना में ज्यादा है। तो आप हमें बता रहे थे कि ये ईंट एक एक ईंट है जी। अच्छा हाँ तो टूटी है, ये टूटी हुई ईंट है और ये एक ईंट है। तो ईंट से ईंट बजा देना कुछ ऐसा ही कुछ है, ईंट से ईंट बजाएंगे तो ये टूटेगी तो नहीं? तो देखिए हमने ईंट से ईंट बजाकर भी देख ली और ये ईंट इतनी मजबूत है कि ये टूटी भी नहीं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो किसी भी देवी देवता का मंदिर होता है उनके मूर्ति के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम हमेशा भगवान के मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करते हैं। तो आइए करते हैं जैत माता मंदिर की परिक्रमा। दोस्तों जैत माता भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ कर आके माता का धन्यवाद करते हैं अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद। तो अगर मनोकामनाओं की बात करें तो ये जो आप झूमर वगैरह देख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान से मांगते हैं कि उन्हें वो पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति कराएं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है या उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो यहाँ पर आकर झूमर और आदि सामान माता को भेंट करते हैं। जहाँ पर माँ शक्ति का वास होता है भगवान शिव स्वतः ही वहाँ निवास करते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ शक्ति माँ का मंदिर हो वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर ना हो? तो जैत माता मंदिर के इस प्रांगण में ये भगवान शिव का मंदिर भी है, आइए आपको दर्शन कराता हूँ भोलेनाथ भगवान शिव के। शिव शंभो माता का यह मंदिर रेलवे मार्ग से और सड़क मार्ग से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो अगर आप झांसी आए हो तो झांसी से आप बाई रोड यहां पर 55 किलोमीटर चलकर आ सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपका नियरेस्ट स्टेशन रानीपुर भी हो सकता है, या फिर आप झांसी में डायरेक्ट उतरने के बाद वहां से कोई कैब या टैक्सी कर डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। दोस्तों आप यह वीडियो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और भाई बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस मंदिर की महिमा का सभी को पता चलना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ जैत माता मंदिर की मेरी यह धार्मिक यात्रा अब कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं आने वाले अपने कई वीडियोस में बुंदेलखंड प्रांत को ही कवर करने वाला हूं। तो आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल फ्रेश, और अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ हो तो एक थम्स अप, एक लाइक जरूर दें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।